शराब दारू नहीं पीते हैं? पीते हैं। क्यों पीते हैं? जब दारू बंदी है तो दारू क्यों पीते हैं? कहाँ मिलता है दारू? दारू कहाँ से लाते हैं? मुसाड़ी मिलता है वहाँ। वहाँ मिलता है? पुलिस नहीं पकड़ता। पुलिस क्या आएगा? कितना दिन से पी रहे हैं दारू? दारू लगभग हाँ 10-15 साल से। मारपीट करता है? कितना दिन से? मारपीट पहले भी किया था, पंचायती में भी बैठा सस्ता कर दिए, लोग चले आता है। दारू पीता है क्या? दारू पी के मारपीट करता है? दारू पी के मारपीट करता है, हर दिन भर रात दारू पी में रहता है। इसलिए एसपी के पास आए हैं? एसपी से क्या कहने आए हैं? कहने कि इसको रखे यहीं पर, यहीं पे जेल कर दे। बिहार में शराबबंदी सरकार ने की, लेकिन उसका कोई व्यापक असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी जमकर शराब पी रहे हैं, परिजनों के साथ मारपीट व गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे परिजन और उनकी पत्नियां परेशान हो चुकी है। और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार कहते फिर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। पूर्णिया जिले में बुधवार को एक ऐसा मामला उस वक्त उभर कर सामने आया जब एक पत्नी अपने शराबी पति को पकड़कर एसपी कार्यालय पहुंच गई और मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगाया। पूरा मामला पूर्णिया जिले के बेगमपुर जलालगढ़ का है। बेगमपुर जलालगढ़ गांव की महिला रुबेदा खातून ने अपने शराबी पति मोहम्मद रईस अंसारी के व्यवहार से तंग आकर खुद ही पड़ोसियों की मदद से उसे एसपी कार्यालय लाकर एसपी साहब से जेल भेजने की गुहार लगाई। रुबेदा खातून ने बताया कि उसका पति रईस अंसारी हमेशा झगड़ा करता है और बुरी तरह से मारपीट करता है। शराब पीने की बुरी लत ने उसके परिवार को बर्बाद कर डाला, पर उसने अपनी आदत नहीं बदली। बार बार झगड़ा व कलह से आजीज पत्नी ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि पति घर की जिम्मेदारी से हमेशा मुंह फेरते रहते हैं, ऐसे में घर परिवार कैसे चलेगा इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती है। घर में जवान बेटियां हैं, उनके भविष्य के बारे में आखिर कौन सोचेगा? अपनी पूरी कमाई शराब में ही लगा देते हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? वहीं शराबी रईस अंसारी ने बताया कि वह विगत 10 वर्षों से शराब का सेवन करते आ रहा है। अगर अब शराब का सेवन नहीं करने दिया जाएगा तो मर जाएंगे। उन्होंने बताया कि शराबबंदी के बावजूद जलालगढ़ में शराब की खरीद बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। शराब तस्करों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। एसपी के पास सनिचर का रोज हम पहले दूठो गया किने, उसके बाद भैंस किने सनिचर का रोज माखे वाला कुछ टका लिए, आधा टका दिया था, हम सोचे भैंस ले लेते हैं। बस उसी रोज वो पैसे में चलते सब मारपीट किया है। देखिए क्यों मारपीट किया? वही कि जाके दारू पीने लगा। आपके पत्नी तो आरोप लगा रही, प्रतिदिन आप दारू पी के आते हैं और मारपीट करते हैं साथ में? देखते हैं सर, यहाँ देखिए जिसके यहाँ दारू पिया है ये, वही उधर वाला खाता वाला मारा है इसको। देखिए कौन मारा है? दारू पी बेचने सब हमारा पांचों बच्चा पत्नी सब मारा। क्यों मारा? वही हम जा रहे थे कसवा सनिचर का। आप दारू नहीं पीते हैं? पीते हैं। क्यों पीते हैं? जब दारू बंदी है तो दारू क्यों पीते हैं? कहाँ मिलता है दारू? कहाँ से लाते हैं? मुसाड़ी मिलता है वहाँ। पुलिस नहीं पकड़ता? पुलिस जाएगा तब न पकड़े। कितना दिन से पी रहे हैं दारू? दारू लगभग हाँ 10-15 साल से। दारू पीना अपराध है पता है? फिर क्यों पीते हैं? क्या करेंगे, देहात काम नहीं करता। फिर पीने के बाद मारपीट भी करते हैं? नहीं करते। तो पत्नी तो बोल रही है मारपीट करते हैं? वो तो झूठ बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? अभी आपको एसपी पास क्यों लाया? लाया जो सजा देगा वो अपने भोगे, हमको कौन जो। नाम बता दीजिए अपना। क्या नाम है? रईस अंसारी। घर? बेगमपुर जलालगढ़। अभी कहाँ लाए हैं? मारपीट करता है? कितना दिन से भगाता है? कितना दिन से मारपीट?
कितना दिन से मारपीट करता है? मारपीट पहले भी किया था, पंचायती में भी बैठा कर चले आता है। दारू पीता है क्या? हाँ। दारू पी के मारपीट करता है? दारू पी के मारपीट करता है, भर दिन भर रात दारू पी में रहता है। कहाँ घर हुआ? क्या नाम है आपका? अच्छा, थाना में कभी आप लोग आवेदन दिए हैं? थाना वाला नहीं सुनता है? नहीं सुनता। कौन सा थाना है? इसलिए एसपी के पास आए हैं। एसपी से क्या कहने आए हैं? कहने कि इसको रखे यहीं पर, यहीं पे जेल कर दे। क्या नाम है पति का? रही संसार। कितना दिन पहले शादी हुआ? शादी होने का 15 साल। 18 साल हमारे बेटी रह जाए। 15। अच्छा ठीक है। कितना बच्चा है? बेटी रह रहा 18 साल भर। कितना लड़का आपके पास बच्चा है? तीन गो लड़की है, दो गो लड़का है। इनका शराब का कारण बाल बच्चा का बेहल्ला कर दिया है, छोड़ दिया है, सुधरने रहा है। कितना सुधारने का बाद भी प्रयास करने में उसका भाई लोग कितना इसका समझाते बुझाते हैं, शराब पी कर शरीर अपना खराब कर रहा है। तो पत्नी हार या उसके तब एसपी साहब का नया गुहार लगाने। यहाँ क्या स्थानीय वहाँ थाना में नहीं गए? स्थानीय थाना जब पकड़ थकड़ करे तो शराब बंद नहीं होता है। थाना गए थे वहाँ स्थानीय थाना? थाना हम लोग नहीं किए थे, इसको पकड़ कर लाए। उसका बाप माँ सब भाई गांव वाला बोला कि आप जहाँ मर्जी वहाँ ले लिए, जैसे सुधारना होगा सुधारिए, हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। हम लोग सहमत। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग लाए थे एसपी साहब करके इसको सुधार दे, शराब बंदी है, जहाँ शराब बिक रहा है वो शराब बंद हो, शराबी जो शराब पीता है उसको सुधार, वो बाल बच्चा लेकर अच्छा तरीके जिए। ये गलत मैसेज जा रहा है सरकार का, प्रशासन शराब बंदी के बावजूद भी शराब बिक रहा है। सरकार तो शराब बंदी के बावजूद भी बिक रहा है घर कानूनी रूप से, पी के खुले हम शराबी देखते हैं। एसपी ऑफिस में बैठा हुआ है, ये भी तो अपराध, ये भी अपराध है। अभी भी पिए हुए हैं? जबकि अभी तुरंत एसपी साहब से मिले आप? मिले, उसको बोला गया स्थानीय थाना जाइए, जबकि इसको एक्साइज विभाग का बोला गया चेकअप करना चाहिए, स्थानीय थाना को फोन करके बोला के इसको लेके जाना चाहिए। जब आ गया इसके अंदर में तो पब्लिक का क्यों दीजिएगा? एसपी साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब से तो हम लोग भेंट मुलाकात में उसका पुलिस कर्मी द्वारा था, उससे जो मिलाते हैं साहब का। अभी नहीं मिले हैं आप? मिले थे, उसका आश्वासन फोन हुआ है साहब के घर जाइए, हम थाना फोन कर दिए हैं, अब लेके जाइए उसको। अभी आप इसको लेके थाना जाइए। हाँ, नाम बता दीजिए। क्या नाम आपका? दिनेश मुखिया। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।